स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से भी एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको महाभारत के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताएं, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर वन फैक्ट की। महाभारत का असली नाम जया था। जी हाँ, महाभारत को हाल में ही महाभारत के नाम से जाना जाने लगा है। इसको असल में जयम और जया के नाम से जाना जाता था, उसके बाद विजया और फिर भारता और अब आखिर में महाभारता कहा जाने लगा है। नंबर दो, पांडवों में सबसे छोटे पांडव जो थे सहदेव, वह भविष्य देख सकते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सहदेव जो कि सबसे छोटे पांडव थे वह पहले से ही महाभारत और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सब जानते थे और इसी के साथ उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम भी पता था, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी वह चुपी रहे। और इसके पीछे का कारण यह है कि उनको श्राप था कि अगर वह ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली घटनाएं किसी को भी बताएंगे तो श्राप वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए उनके पास चुप रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। में एक और वाक्य भी हुआ था, सहदेव को जैसे ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सब पता चलता है, वह भाग के ये सारी बातें अपनी माँ कुंती और अपने भाइयों को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं और कृष्ण उनका रास्ता रोक लेते हैं। कृष्ण सहदेव से चुप रहने को कहते हैं और कहते हैं कि ये चीज कभी भी किसी को ना बताएं। और जैसे ही सहदेव उनसे कोई सवाल पूछते हैं, बदले में कृष्ण भी सामने से उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, जिसके कारण सहदेव को चुप ही रहना पड़ता है। नंबर तीन, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। जी हाँ, ऐसे ही दुशासन का नाम सुशासन था। जी हाँ, ये जो नाम थे, यह नाम दुर्योधन और दुशासन को और बाकी सब कौरवों को उनके क्रूर व्यवहार और निर्दयी चरित्र के चलते दिए गए थे। हिंदी और संस्कृत में दू शुरू होने वाले शब्द अधिकतर नकारात्मक तरीके से देखे जाते हैं, वहीं पे इसके विपरीत सु से शब्द शुरू होने वाले शब्द हमेशा सकारात्मक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर चार, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे के सारे कौरव पांडवों के खिलाफ नहीं थे। जी हाँ, धृतराष्ट्र के दो पुत्र विक्रन और युगुत्सु अपने ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा गलत ही ठहराते थे। यहाँ तक कि पासे के गेम में द्रौपदी के साथ दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का भी उन्होंने जम के विरोध किया था, किंतु बड़े भाइयों के दबाव के चलते वह कुछ कर नहीं पाए। नंबर पाँच, विदुर यमराज के ही अवतार थे। जी हाँ, महाभारत में यूं तो विदुर को धृतराष्ट्र और पांडु का भाई बताया जाता है और वह थे भी, और इसी के साथ यह ऋषि व्यास और सुद्री के पुत्र भी थे। इनको धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में महानता हासिल थी, मतलब बहुत अधिक जानकारी थी। दरअसल ऋषि मांधवा के श्राप के कारण यमराज को मनुष्य जन्म में अवतार लेना पड़ा था और इस रूप को उन्होंने विदुर के रूप में अपना जन्म लिया। नंबर छः, अभिमन्यु की आत्मा एक दैत्य की आत्मा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, यूं तो अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है और वह थे भी, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अभिमन्यु की आत्मा असल में एक दैत्य जिसका नाम कल्यावन था उसकी आत्मा थी। कृष्ण ने कल्यावन को अग्नि में जलाकर मृत्यु दे दी थी और उसके बाद उसकी आत्मा को अपने साथ द्वारिका ले गए थे। दरअसल अभिमन्यु के अंदर कल्यावन की जो आत्मा थी वह बेहद शक्तिशाली थी और वह अभिमन्यु को बाद में
मानने में भी सक्षम थी। अभिमन्यु की कोई कमजोरी नहीं थी सिवाय इसके कि उनको चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान नहीं था, और चक्रव्यूह का निर्माण ही अभिमन्यु वध के लिए किया गया था, क्योंकि चक्रव्यूह के द्वारा अभिमन्यु वध करने किया के बाद ही ये एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे अभिमन्यु को मोक्ष प्राप्त हो सकता था। नंबर 7, कर्ण की मृत्यु एक ब्राह्मण के श्राप के कारण हुई थी। जी हाँ, एक बार कर्ण शब्द बेड़ी बाण का अभ्यास कर रहे थे, गलती से उन्होंने ये बाण एक गाय पे चला दिया, कोई जंगली पशु या जंगली जानवर समझ के। यह गाय एक ब्राह्मण की थी और उन्होंने ही कर्ण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी जब होगी जब तुम्हारा अपने शत्रु से ध्यान बटा हुआ होगा और तुम युद्ध में नहीं होगे। और यह श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ जब कर्ण का के रथ का पहिया मिट्टी में धस जाता है और वह अपने धनुष बाण रख के उसे निकालने में नीचे जाके जुट जाते हैं, और तभी अर्जुन अपना तीर चला के कर्ण का सर अलग कर देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा आपको बताए गए ये 7 अननोन फैक्ट महाभारत के अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और मनोरंजक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक तथ्यों से जुड़ी बातें और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।